हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस मैजिक कट। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं किस तरीके से आप अपना वेडिंग टीजर बना सकते हैं, वेडिंग टीजर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और देखो, ज़्यादा लंबा नहीं है, मैंने जो ऑडियो ले रखा है अभी आई थिंक ये है 41 सेकेंड का है, ठीक है। तो 41 सेकेंड का है तो ऑलमोस्ट इतना ही होता है, 40 to 1 minute 120 minute के आसपास वेडिंग टीजर होते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने जो म्यूजिक ले रखा है दूसरे टाइप का, ये मैंने नॉन कॉपीराइट म्यूजिक ले रखा है। ज़्यादातर हम वेडिंग में जो यूज करते हैं, लोग बाग यूज कर यूट्यूब से निकाल के यूज करते हैं, उनमें तो कॉपीराइट आ सकता है, तो इसलिए मैंने यूज नहीं करा है, ठीक है। तो मेरा बताने का मकसद ये कि कैसे आपको एक मतलब किसी भी ऑडियो पे आप या कोई भी और बेस लाइन आपके पास, उस पे आप अपने फुटेज को रखे, थोड़ा बहुत SFX यूज करके, साउंड इफेक्ट्स और थोड़े से इफेक्ट यूज करके, थोड़े स्टोरी लाइन को बिल्ड करके आप कैसे एक अच्छा टीजर बना सकते हैं, ठीक है। तो गाना कुछ भी हो सकता है, मैंने अभी ये लिया, आप कुछ और ले सकते हैं, ठीक है। तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ये देखो कि कॉन्सेप्ट कैसा है टीजर बनाने का, ठीक है। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे अच्छी वीडियो आप मिस ना कर पाएं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं, चलो फिर एक बार मोटे मोटे गाने को सुनते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड रैंपिंग यूज होने वाली है, थोड़ा पोस्चराइज टाइम यूज होगा, थोड़ा ग्लो इफेक्ट यूज करेंगे और रिवर्स फॉरवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। कुछ प्रीसेट्स यूज करेंगे, ओवरले यूज करेंगे दबा के, ठीक है। अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है तो मैं लिंक दे दूंगा, वो आप डाउनलोड कर लेना भाई लोग, ठीक है। इसे थोड़ा स्पीड दे दिया, इसे क्या करता हूँ 400 करता हूँ ये तो, और फिर इसे कट करके इसे वापस 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा झटके से, यहाँ पर आपको अच्छा समझ में नहीं आएगा, तो पहले मैं बीट्स लगा देता हूँ, ठीक है। ये शुरू करते हैं 1 2 3, ठीक है, ठीक है, बीट्स आ गई। चलो दोबारा से शुरू करते हैं, फिर ये ओपनिंग आ गया। अब एक मुझे शुरू में ही ओपनिंग थोड़ा ऐसी चाहिए, ये धमाकेदार होना चाहिए, मेरा तो ये शुरू के 10 सेकंड तो ऐसा होना चाहिए, ओह मतलब नजरें ना हटे, ठीक है। तो मैं एक ब्राइट कर ले लेता हूँ, फिर मैं थोड़ा डेकोरेशन के पार्ट को भी इवॉल्व करूँगा इसमें, और थोड़ा ड्रोन के पार्ट को भी, ठीक है। एक ब्राइट का शॉट ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको भी सेम, इसको भी हम क्या करेंगे, शुरू में थोड़ा ज़्यादा स्पीड देंगे, सॉरी, ठीक है। ये है, देखो आप, आई थिंक इसे थोड़ा और स्पीड चाहिए, ये 500 करके, और इसे वापस 100 कर लेते हैं, ठीक है। ये सही हो गया, नीचे वाले ट्रैक को लॉक कर देंगे और इसको, ठीक। आप चाहें तो शुरू में डेकोरेशन का पार्ट और ज़्यादा रख सकते हो, जैसे अगर सपोज मैं यहाँ पर ब्राइट से शुरू नहीं करता, मैं इसे आगे खिसकाता हूँ, तो मैं यहाँ पर डेकोरेशन से भी शुरू कर सकता हूँ, वेडिंग डे का डेकोरेशन कहाँ है। तो अभी देखो मैं इसको कैसे, इसको इसके साथ सेटल करता हूँ, ले लिया। तो अब मैं थोड़ा नाइट का एरियल भी ले लेता हूँ, आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसे भी सेम, इसे भी थोड़ा स्पीड देता हूँ, आई थिंक थोड़ा सा और चाहिए, इसे भी थोड़ा ज़्यादा दे दो, ठीक है, और वापस 100, आप ठीक है, ठीक है। इसे भी सेम आप क्या करो, स्पीड रैंप करो इसका अच्छे से, ठीक है। शुरू में क्या होता, शुरू में हमें थोड़ा तेज स्पीड चाहिए होती, और एंड द एंड जो है चाहिए होती थोड़ा स्लो। आप देखो इसे थोड़ा सा, ये स्लो आ रहा है ना, तो क्या हो, देखो अभी आप देखोगे ना बीट पे कितना स्लो आ रहा है, देखो ये ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है कि थोड़ा, अगर इसमें थोड़ा स्पीड को कंट्रोल आर करके आप इसकी स्पीड थोड़ा सा बढ़ाओ, ठीक है। ये बढ़ गई, अभी भी इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा और, सॉरी, ठीक है, ये है,
अब इसे वापस 100 एक कट मार के 100 कर दो, जो मेरा स्टाइल है, ठीक है। आप की फ्रेम लगा के भी कर सकते हो, पर मैं ज़्यादातर कट यूज करता हूँ, ठीक है, वेडिंग में, ठीक है। आई थिंक ये वाला बेटर है, यस। चलो ये शूट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये साहब ये डांस चल रहा है तो इसे कर लेते हैं शुरू, ठीक है। अब मुझे चाहिए थोड़ा से कपल्स, ठीक है, कपल में कैसा, जिसमें थोड़ा मूवमेंट हो, ताकि आई थिंक ये अच्छा ये है, ये अच्छे से इन आउट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जितना भी इफेक्ट का काम है वो हम बाद में करेंगे, फिलहाल मैं आपको कटिंग प्रस्पेक्टिव बता रहा हूँ, ठीक है। इसे कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है हम कर लेते हैं थोड़ा सा ऐड, थोड़ा सा और डेकोरेशन, और थोड़ा सा और पोर्ट्रेट। आई थिंक ये वाला भी चल सकता है, बट ये क्या है, इतना अच्छा आया नहीं। ओह आया आया, यस, ठीक है। एक ये भी कर देते हैं मेहंदी का, और अब इसमें इतना देखो, इतना काफ़ी टाइम से सिर्फ बीट पीट पे चल रहा है, अब हम थोड़ा मस्ती और वो इन्वॉल्व करेंगे इसमें, क्योंकि 40 सेकंड का है और 12-15 सेकंड हो गए, ठीक है। क्योंकि टीचर में अपने पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके इसको यहाँ से शुरू करते हैं, ये यहाँ से शुरू करते हैं, ये आया। ठीक है, ये और एक ग्रूम का शॉट था सेम हल्दी का, या ये वाला, इसको यहीं पर कट कर देंगे, ठीक है। अब आपको लग रहा है अचानक से कट हो, लेकिन इसके भी हमारे पास बाद में एक इलाज है, बताऊंगा। फिर एक और साउंड लगा देते हैं, ये वाला, ठीक है। अब दिक्कत ये कि SNQ में शूट हो रहा, तो इसका जो है इसके साथ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, इसके साथ बैकग्राउंड का जो वो है आवाज़ें वो आई नहीं है, अब दिक्कत है एम्बियंस आए नहीं है, तो इसकी जगह हम मेरे पास एक है, एक ब्राइट साइड का है, उसको मैं वहाँ से उठा के यहाँ ले आता हूँ, कुछ तो होगा, आई थिंक ये वाला, नहीं नहीं ये वाला आए थे, ओके, ठीक है, ये वाला है, थोड़ा सा ऑडियो, ठीक है, इसका ऑडियो उठा देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ, तभी मजा आएगा जब पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक आए, ठीक है। इसके साथ थोड़ा देखो, इसका म्यूजिक बच रखा था ना, इसे मैं यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ, कैसे देखो थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, इसी का आगे लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखो कैसे, और जो ठीक है, जो ये दूसरा वाला है इसको गेन थोड़ा कम कर लेता हूँ, ठीक है, इसके नीचे के, अब लगेगा ही नहीं कि ये कोई दूसरा है, ठीक है। चलो इसको लास्ट के लिए रखते हैं, ठीक है, इसको एंड में लगाएंगे, ये मैंने स्पेशली रख लिया है, इसको जैसे ये होगा ना, बस ठीक है, ये वाला ठीक है, आई थिंक ये वाला ठीक है, थोड़ा सा बीट के साथ भी यहाँ पर खेलेंगे, तो इसका एक दूसरा शॉट है मेरे पास, वो थोड़ा मिड शॉट है, तो इसको इसके साथ लगा देता हूँ,
जाती है और फिर वापस से चेंज, क्योंकि देखो थोड़ा सा ही रह गया। अब एक वाइड ड्रोन शॉट ऐड कर लेता हूँ, इसको करता हूँ, ये भी बहुत स्लो है। और एक और वाइड ड्रोन का शॉट ही वाला, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है थोड़ा वाला पार्ट, जिसमें कि थोड़ा क्या है, जिसमें थोड़ा ये है प्रोसेस। यहाँ तक, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा स्पीड में, तो इसकी इसमें थोड़ा मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे फुटेज का एक सीक्वेंस क्रिएट करेंगे, छोटे 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 छोटे, ठीक है। तीन तीन फ्रेम, मतलब 4 से 5 फ्रेम का फुटेज लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डांस से शुरू करता हूँ, आई थिंक ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इनको एग्जैक्ट क्या करता हूँ, ठीक है, ये स्लो नहीं, ये तो ठीक है स्पीड इसकी। तो ये बहुत छोटा होने वाला है, इसी तरह जैसे जैसे यहाँ पर बीट लग रही है उसी तरह से आपने जो है यहाँ पर अपना अपना फुटेज जो है लगा देना है सिलेक्ट कर करके, ठीक है। जैसे मैं सारे फुटेज सेलेक्ट कर चुका हूँ मुझे कौन कौन सा लगाना है, इसी तरीके से आप अपना फुटेज एक एक करके लगा दे रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे इस क्लिप को पूरा भी रखना है, ठीक है, और यहाँ पर इसे कट करके भी यूज करना है। देखो क्या करूँगा मैं, एक कट लगाऊंगा आगे खिसकाऊंगा, फिर एक कट लगाऊंगा थोड़ा आगे खिसकाऊंगा, ऐसे कर करके मैं इसे यूज करूंगा। देखो इसी तरह बाकी भी फुटेज को आप अपने हिसाब से मतलब ऐसे एडजस्ट करते रहिए, ठीक है। बीट लगाने का ये फायदा होता है कि आपको जट पता होता है कहाँ से कहाँ तक आपको रखना है, ठीक है। ऐसे के करके आप इन सबको लगाते रहिए। एंड में जैसे मैंने ये वाला शॉट बचा के रखा हुआ था, ये पानी डालने वाला एंड करने के लिए, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे रख दूंगा। देखो फिर ये बढ़िया एकदम एंड हो जाएगा इसका, इस पूरे एपिसोड का। और इससे आगे का जितना भी है वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक करें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें सिनेमैजिक कट को। थैंक यू।